हेलो फ्रेंड्स मैं रिटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ ये डिज़ाइन आप जेंट स्वेटर लेडीज़ कार्डिगन बच्चों के स्वेटर कैप किसी पर भी बना सकते हैं और ये डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है इस डिज़ाइन के लिए आपने तेरह के मल्टीपल से फंदे लेने हैं और उसमें चार फंदे हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे इस डिज़ाइन के लिए हमने ये तीस फंदे लिए हैं और ये हमारी पहली सलाई है सीधी साइड तो हमने पहला फंदा हम उतार लेंगे धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे ग्यारह फंदे सीधे बुनाई करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह ये एक्स्ट्रा फंदा छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है इसी को हमने रिपीट करना है फिर हम दो फंदे उल्टे फंदे सीधे फिर हम दो फंदे उल्टे आखिर का एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे ये हमारी दूसरी सलाई है उल्टी साइड तो हमने पहला फंदा उतार लेना है अब दो फंदे सीधे धागा आगे करेंगे अब हम ये चार फंदों को दो बार धागे को सलाई पे घुमाकर उल्टा बुनाई करेंगे एक दो तीन और चार अब तीन फंदे हम सिंपल उल्टे बुनाई करेंगे फंदे हम दो बार धागे को सलाई पे घुमाकर उल्टे बुनाई करेंगे एक दो तीन और चार ये एक्स्ट्रा फंदा छोड़ के यहां से लेके यहां तक हमारा एक डिजाइन बन गया इसी को हमने रिपीट करना है फिर दो फंदे सीधे धागा आगे करेंगे चार फंदों को हमने दो बार धागे को सलाई पे घुमाकर उल्टा बुनाई करना है दो तीन और चार तीन फंदे हम सिंपल उल्टे बुनाई करेंगे फिर हम चार फंदों को दो बार धागे को सलाई पे घुमाकर उल्टा बुनाई करेंगे फिर दो फंदे सीधे आखिर का एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे अब ये हमारी तीसरी सलाई है सीधी साइड पहला फंदा हम उतार लेंगे धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे जो फंदे हमने दो बार धागे को सलाई पे घुमाकर बनाए थे इन फंदों को हम खोल लेंगे ये चारों फंदों को हमने खोल लिया अब ये चारों फंदों को इस सलाई पे लेकर इन चार फंदों का हम एक फंदा ऐसे आगे से बनाएंगे ये देखिए ये हमने चार फंदों का एक फंदा बना लिया अब हम ये बीच के हमारे जो तीन फंदे हैं इनको हम बुनाई करेंगे तो हमने एक फंदे के तीन फंदे बनाने और ये हमने सीधे बुनाई करने हैं ये हमने एक एक सीधा फंदा बुनाई किया फिर धागे को सलाई पे ऐसे घुमाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनाई किया ये हमने एक फंदे के तीन फंदे बना लिए फिर अगले फंदे को भी हमने ऐसे ही बुनाई करना है एक फंदा सीधा धागे को सलाई पे ऐसे घुमाएंगे, एक फंदा सीधा फिर अगले वाले फंदे को भी हमने ऐसे ही बुनाई करना है एक फंदा सीधा धागे को सलाई पे ऐसे घुमाएंगे फिर एक फंदा सीधा ये देखिए हमने ये एक एक फंदे के तीन तीन फंदे बना लिए फिर हम ये चार फंदों को खोल लेंगे इन चारों फंदों को हम इस सलाई पे ऐसे लेके अब इन चारों फंदों को हमने पीछे से चार फंदों का हमने एक फंदा बनाना है ऐसे ये हमारा ये एक्स्ट्रा फंदा छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन बन गया हमने इसी को रिपीट करना है अब दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे चार फंदों को खोल लेंगे और इस चारों फंदों को इस सलाई पे लेके आगे से हमने चार फंदों का एक फंदा बना देना है ये देखिए ऐसे फिर हमारे ये बीच के तीन सीधे फंदे आ गए हमने हर एक फंदे के तीन फंदे बनाने हैं और ये हमने सीधे बुनाई करने हैं एक फिर धागे को सलाई पे घुमाएंगे फिर से हमने इसको बुनाई किया ये हमारे एक फंदे के तीन फंदे बन गए फिर नेक्स्ट वाले फंदे को भी हमने ऐसे ही बुनाई करना है धागे को सलाई पे ऐसे घुमाया फिर एक फंदा सीधा फिर अगले फंदे को भी हमने ऐसे ही बुनाई करना है एक फंदा सीधा धागे को सलाई पे घुमाया एक फंदा सीधा अब हम ये चार फंदों को खोल लेंगे और इन चार फंदों को इस सलाई पे लेके इसको हमने पीछे से चार फंदों का एक फंदा बनाएंगे ये देखिए फिर हम दो फंदे उल्टे आखिर का एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब ये हमारी चौथी सलाई है उल्टी साइड तो आप ध्यान से देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे अब दो फंदे सीधे धागा आगे करेंगे ग्यारह फंदे उल्टे हमने 11 फंदे उल्टे बुनाई कर लिए एक्स्ट्रा फंदा छोड़ के यहां से लेके यहाँ तक हमारा एक डिजाइन बन गया इसको ही हमने रिपीट करते जाना है धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे 11 फंदे उल्टे दो फंदे सीधे आखिर का एक फंदा उल्टा ये देखिए ये हमारा चार सलाइयों का पैटर्न है इन्हीं चार सलाइयों को हमने रिपीट करना है अब हमने फिर से ये दो फंदे उल्टे ग्यारह फंदे सीधे दो फंदे उल्टे ग्यारह फंदे सीधे ऐसे ही हमने इसको बनाना है ऐसे ही ये खूबसूरत सा डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बनाएं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद